नाजरीन, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को दबाकर नई अपडेट्स को ऑन कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सामाइन ग्रामी। सामाइन, खामोश रहना और खामोशी को महसूस करना एक ऐसा अमल है जो मुख्तलिफ औकात में हम पर तारी होता है। सामाइन ग्रामी, खामोशी क्या है और ये किन किन मौक़ों पर हमारे ऊपर तारी होती है, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। इंशाल्लाह हमारी ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो साबित होगी और आपके नॉलेज में भी इजाफा करेगी। सामाइन ग्रामी, खामोशी क्या है? खामोशी एक जुबान है जिसे हर कोई अपने ढंग से बोलता है। खामोशी बोलती ही नहीं, चीखती भी है, पुकारती भी है और लताड़ती भी है। सामाइन, महबूबा खामोश रहे तो नाराज़गी, महबूब खामोश रहे तो बुजदली, वालदैन खामोश रहें तो मजबूरी, औलाद खामोश रहे तो सआदत मंदी, इंसान खामोश रहे तो बेबसी, इंसानियत खामोश रहे तो बेहिसी, कौम खामोश रहे तो मजलूमियत और हुक्मरान खामोश रहें तो सियासत। ये खामोशी क्या है और ये खामोशी का सिक्का राइजुल वक्त होता है। जब भी राइज होती है तो किसी को खरीद लेती है या किसी को बेच देती है, लेकिन ये हमेशा राइज नहीं रहती। इसका एक मखसूस वक्त होता है और ख़ास मौके और ख़ास वक्त पर इस्तेमाल की जाती है। इसीलिए कम बोलने और ज़्यादा सुनने वाले को अक्लमंद भी कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ सामाइन ग्रामी, हमारी वीडियो ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। अपनी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे और हमें कमेंट बॉक्स में आगाह ज़रूर कीजिएगा आपको हमारी ये काविश कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।